भगवान भोलेनाथ का सावन महीना प्रारंभ हो चुका है। आज सावन का पहला सोमवार है, जिसे लेकर हापुड़ के शिव भक्तों में भारी उत्साह है। सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव की जयकारे लग रही हैं। आज शिव मंदिरों में भक्त पूजा के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही शिव मंदिरों के बाहर भक्त लाइन लगा करके खड़े नजर आए। आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की तड़के से ही हाजिरी लगनी शुरू हो गई। बहुत श्रद्धालुओं ने सावन के सोमवार के व्रत का संकल्प लिया और व्रत प्रारंभ किया। सुबह से ही प्रसिद्ध सबली महादेव मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, पुराना बाजार, शिव मंदिर समेत सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और विशेष पूजा अर्चना की। कांवड़ियों ने भी हरिद्वार जाने का क्रम तेज कर दिया है। जनपद से हजारों कांवड़िये गौमुख गंगोत्री से कांवड़ लेने के लिए गए हैं। वहीं भारी मात्रा में कांवड़िये हरिद्वार से कांवड़ लेकर आएंगे। दूरस्थ स्थान जाने वाले कांवड़ियों का लौटना प्रारंभ हो गया है। इस बार कांवड़ का जल शनिवार 15 जुलाई की शाम से शुरू होगा, इसलिए कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला 11 जुलाई से तेज हो जाएगा। इधर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन व पुलिस ने भी कड़ा बंदोबस्त कर दी। डीएम प्रेरणा शर्मा व एसपी अभिषेक वर्मा ने कांवड़ियों के लिए किए जा रहे इंतजाम की समीक्षा की। जनपद को जोन व सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों को तैनात किया गया है। अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ब्रजघाट से भी लाखों कांवड़िये जल लेकर आएंगे, इसलिए ब्रजघाट पर विशेष व्यवस्था की गई है। साफ सफाई के लिए नगर पालिकाओं ग्राम पंचायतों को कड़ी हिदायत दी गई। कांवड़ शिविरों में भी सुरक्षा इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को भी अस्पतालों के अलावा कांवड़ शिविरों एवं मोबाइल गाड़ियों पर आवश्यक दवाएं और स्टाफ तैनात रहने के निर्देश दिए गए। एसपी अभिषेक वर्मा, एएसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने सबली महादेव मंदिर समेत कई प्रमुख मंदिरों व कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया।